हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट है NABARD की तरफ से, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब फाइंड कर रहे हैं। अगर वो फ्रेशर है तो उनके काम का ये नोटिफिकेशन है, उनको काफी हेल्प मिल जाएगी। एंड लाइक का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स, जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे कट्स भी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है, तो मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जंप करके कर लेना जहाँ जो पार्ट आपको देखना है, लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा मैनेज कर लेना, कट्स बहुत ज़्यादा होंगे। वैसे अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, गेट 2022 अगर आपका टारगेट है, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्पेशल बैचेस डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग का 2022-2023 का बैच, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सो ये सारे बैचेस जो है शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, जिसमें लाइव सेशंस होंगे, यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे बैचेस के दे दूंगा, क्योंकि यहां पे प्राइस बढ़ने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लीजिए। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहां पे प्राइस हाइक होगा तो बाद में क्या रेट्स होंगे आपको यहां पे इस इमेज में दिख रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हो, हर संडे अनअकैडमी कंडक्ट करता है कॉम्बैट, जिसमें आप में से हर कोई रजिस्टर कर सकता है, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और यहां पे 60 मिनट्स के यहां पे टेस्ट होती है और अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस भी होते हैं अगर आप लाइव अटेम्प्ट करते हो और आपका रैंक आता है। ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको अनलॉक कोड पूछा जाता है तो आप सेम वही कोड मेरा यूज कर सकते हो। सो लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर से चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड यहां पे पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 7 अगस्त 2021 है। बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम की, सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, तो उसकी एग्जाम जो है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होगी। प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मेंस एग्जामिनेशन कब होगी उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएगी। आगे अगर बात करते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल यहाँ पे 148 वैकेंसीज है और दो तरीके की पोस्ट है। एक है असिस्टेंट मैनेजर RDBS एंड असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। अगर असिस्टेंट मैनेजर RDBS की बात करते हैं, तो उसमें आप में से जो है फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ एनी ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट है। और असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ मांगा हुआ है। तो हमारे काम की वैकेंसी जो है असिस्टेंट मैनेजर RDBS की है, तो उसमें अलग अलग फील्ड वाइज इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है क्वालिफिकेशन का, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर में यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो जनरल के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने मौका दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट MBA, या फिर अगर आपने CS CS ICWA किया है या फिर PhD किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोई भी ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, जिसके अंदर अगर बात करते हैं तो 5 वैकेंसी, और जो एनी ग्रेजुएट की जो पोस्ट थी ना जनरल, उसके अंदर 31 वैकेंसीज थी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी पोस्ट के अंदर थी। तो ये जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर खास एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर वेटरनरी साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिशरीज के अंदर अगर आपने बैचलर्स डिग्री फिशरीज में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, फॉरेस्ट्री के अंदर यहाँ पे अगेन वही बैचलर्स डिग्री इन फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर के अंदर बैचलर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, फिर यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस के अंदर बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, ये सब फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट है ना स्पेशलिस्ट की पोस्ट हो जाती है, जिसमें स्पेसिफिक यही पोस्ट वाले या फिर यही क्राइटेरिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। और खास करके इन्होंने
फाइनेंस वालों के लिए भी दिया हुआ है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी दिया हुआ है, हाइड्रोलॉजी, फिर यहाँ पे बीबीए दिया हुआ है, उसके बाद कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आईटी 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि असिस्टेंट मैनेजर जो राजभाषा है उसके अंदर आप अप्लाई तो कर पाओगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगर आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पे ट्रांसलेशन आना चाहिए, और उसमें आपने 2 साल मास्टर किया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी है, कि एग्रीगेट परसेंटेज 60 होते हैं तो कौन सा डिवीजन आता है, सीजीपीए क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक टेबल में दी है जो डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट इन्होंने बताई है, और बाकी सब रिलैक्सेशन जो ओबीसी एससी एसटी को मिलता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है हर किसी के लिए सेम रहेगी, चाहे वो राजभाषा हो, स्पेशलिस्ट हो, जनरल हो, सेम रहेगी। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये 5 जो टेस्ट है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ पे इसके मार्क्स कोई काउंट होने वाले नहीं है, मतलब अगर आप सिर्फ पास करते हो तो भी इट्स ओके, लेकिन जो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपकी बनेगी जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो 3 टेस्ट है ना, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है। सो इसमें आपको खास ध्यान रखना होगा और जितना ज्यादा हो सके इस पार्ट में आपको स्कोर करना होगा। उसके बाद आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो मेंस एग्जामिनेशन में जनरल के लिए इन्होंने दिया हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, 2 पेपर रहेंगे, पहला पेपर इंग्लिश का रहेगा, दूसरा पेपर इस तरीके से रहेगा जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे पेपर होंगे पेपर 2 के अंदर, ठीक है। पेपर 1 में एक ही पेपर है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको लेटर प्रेसिस या आपको लिखना होगा, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन पेपर 2 में आपको यहाँ पे 50-50 मार्क्स के 2 सेशन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसमें आपको 30 मिनट्स, दूसरे में 90 मिनट्स दी जाएगी जो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। सो अगर हम बात करते हैं मेन्स एग्जामिनेशन की तो ज़्यादा पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव का रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। तो यही सेम पैटर्न जो है जर्नलिस्ट की थी, वैसी सेम यहाँ पे किसी भी फील्ड की एक स्पेशलिस्ट हो, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, तो भाई आपकी फील्ड के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि एक और टेबल डिस्प्ले हो रहा होगा जिसमें कॉलम 2 में आप देख सकते हो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर रहेगा, जर्नलिस्ट में स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर नहीं था, उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज थे अगर आपने नोटिस किया हो तो। इसके बाद जो राजभाषा का है सेम है पेपर, कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्ट्रीम स्पेसिफिक रहेगा और राजभाषा के अंदर मास्टर्स भी मांगा हुआ है तो आपको उसके रिगार्डिंग काम करना होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं सिलेबस की तो सिलेबस इन्होंने पूरा अच्छे से दिया हुआ है, पेज नंबर 14 जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है ना, उस पर जैसे ही आप विजिट करते हो तो आपको सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। सो एक बार जाके वो देख लेना अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बाद लास्ट एक फेज रहता है, वो है आपका इंटरव्यू फेज। टोटल यहाँ पे 3 फेज में सिलेक्शन हो रहा है, पहले फेज में क्वालिफाई करना होगा, दूसरे फेज में भी क्वालिफाई करना होगा, एंड फाइनल आपका इंटरव्यू जो होगा उससे आपका फाइनल सिलेक्शन पता चलेगा। नाउ मेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले जो होंगे प्रिलिम में से 1:25 के हिसाब से मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब सिलेक्ट किया जाएगा, एंड मेंस से इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो के हिसाब से लिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। सो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान में रख के अपनी तैयारी को स्टार्ट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम सेंटर्स की तरफ। तो एग्जाम सेंटर्स इन्होंने दिए हुए हैं और साथ ही साथ ये प्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके भी सेंटर्स दिए हुए हैं। लेकिन एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम सेंटर्स टोटल यहाँ पे 33 लोकेशंस है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग सिटीज़ में इन्होंने लोकेशन दिए हुए। आप में से हर कोई जो है आपके नियरेस्ट पार्ट में आपको सेंटर मिल जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। सारे जो है वो आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे, करीब करीब आपको 2 स्क्रीनशॉट मिलेंगे टोटल 33 लोकेशंस के, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के लोकेशंस हैं। बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की तो उसमें लोकेशन ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, जिसमें एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। सो ऐसा समझ सकते हो आप पर स्टेट के अंदर एक लोकेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए रहेगा, ये एवरेज है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी में होगा, लेकिन ये एवरेज है। उसके बाद अगर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, तो वो भी आपको मेंस के जो सेंटर्स है उसी में से कोई सेंटर्स सेलेक्ट करेंगे, वहीं पे आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है
आपको सब पता होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। नाउ आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस बाकी सबके लिए, मतलब कि एससी एसटी वालों को छोड़ के ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपीज़ है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि बहुत कम है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 800 रुपीज़ आपके जाएंगे, तो उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को चलना। यहाँ पे अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी बहुत अच्छी रहेगी, आपका बेसिक पे 28,150 रहेगा, लेकिन सारी चीज़ें अगर मिलाते हैं अलाउंस वगैरह, सो वो आपका पहुँच जाता है 70,000 पर मंथ, जिसमें आपका डी एन एस अलाउंस आ गया, लोकल कंपेंशनरी अलाउंस आ गया, फिर यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस आ गया, फिर ग्रेड अलाउंस आ गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और करीब 70,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपका पे स्केल कुछ इस तरीके से रहेगा, स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा 28,150, फिर हर साल 1550 के हिसाब से 4 साल तक बढ़ेगा, उसके बाद 34,350, फिर 7 साल तक 1750 हर साल बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से पूरा पे स्केल रहेगा। ये आपका बेसिक पे है, लेकिन और भी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, तो ये परमानेंट जॉब है, तो इसके ये सारे बेनिफिट्स है। नाउ अप्लाई किस तरीके से करना है, तो अप्लाई करने के लिए NABARD.org ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एंड आपको इसका एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी, इसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। तो 7 अगस्त से पहले इसको सबमिट कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। सो ये था पूरा नोटिफिकेशन NABARD की तरफ से, एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा स्लो था, मैं जानता हूं, और बहुत सारे आपको कट्स देखने को मिलेंगे होंगे बिकॉज थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, मैंने आपको बताया है। सो बस एक दो वीडियो में संभाल लेना, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अनअकैडमी की लिंक्स वगैरह दी हुई है, बैचेस के बारे में भी बताया हुआ है, इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए जरूर से चेक कर लेना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।